म्यूजेसी मतलब बनाना या केला फैमिली। जो प्लांट स्टडी करेंगे वो है म्यूजा पैराडिसिका यानी केला। हैबिट की बात करें, हैबिट इज इट इज़ अ पेरेनियल कल्टिवेटेड हर्ब, कभी कभी श्रब भी हो जाते हैं। रूट की बात करें, एडवेंटिशियस रूट, स्टेम अंडरग्राउंड होता है। इन द फॉर्म ऑफ बल्ब। लीफ की बात करें, लीफ सिंपल पेटियोलेटेड एंटायर मार्जिन के साथ, पैरेलल वेनेशन भी होगा इसमें। देन इनफ्लोरेसेंस की बात करें, इनफ्लोरेसेंस को स्पैडिक्स कहा जाता है, विच इज कवर्ड बाई स्पेथ। स्पेथ इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्ट्स। फ्लावर ब्रैक्टिएट होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे या इररेगुलर होंगे, इनको कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक को। मेल, फीमेल और न्यूटर, तीन तरह के फ्लावर पाए जाएंगे। ओवरी इंफीरियर होगी यानी एपिगैनस कंडीशन। पेरियंथ, 6 टेपल्स पाए जाएंगे और 3+3 में अरेंज होंगे, 2 होल में। देन ये पेटेलॉइड होंगे। एस्टिवेशन की बात करें तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रूसियम की बात करते हैं तो एंड्रूसियम होते तो 6 स्टेमेंस हैं, बट एक बिल्कुल सेसाइल और गायब हो जाता है, तो 5 स्टेमेन माने जाते हैं यहाँ पे। 5 स्टेमेंस जो कि 2+2+1 के अरेंजमेंट में होता है। एंथर डाइथिकस होगा, बेसी फिक्स्ड होगा और पॉली एंड्रस कंडीशन पाई जाती है। गाइनोसियम की बात करते हैं, 3 कार्पल्स, ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस, ट्राइलक्यूलर, कई बार यूनिलक्यूलर भी होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन अलग भी हो सकता है। ओवरी इंफीरियर होती है यानी एपिगाइनस कंडीशंस, और इस तरह से ये हो गया गाइनोसियम। फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट इलोंगेटेड बेरी कहलाता है और इसका मीजोकार्प वाला हिस्सा एडिबल होता है। अब गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम जो है वो म्यूजा पैराडिसिका यानी केला और म्यूजा सेपियेंटम जो खाने वाले केले हैं, इनके ओव्यूल्स इतने शॉर्ट होते हैं कि ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, और फिर इनका जो सीड होता है वो लगभग गायब हो जाता है, तो सीडलेस फ्रूट बन जाती है। इसलिए केले में सीड नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। प्लूरल फॉर्मूले की बात करते हैं, ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है। पहला वाला मेल, फीमेल और ये न्यूटर है यानी ऊपर 0 है बना हुआ। पेरेंथ 2+2, एंड्रोसियम 2+2+1, स्टेमिनॉट कंडीशन होती है। एंड सिंस ओवरी इज इंफीरियर इसलिए ऊपर लाइन है, और ये तीन होते हैं, जुड़े होते हैं, सिनकार्पस, ट्राइकार्पलरी। ये फ्लोरल डायग्राम है एक केले का या बनाना, तो इसको ऑब्जर्व कर लीजिए ठीक से। 1, 2, 3, बीच में 3 कार्पल हैं और यहाँ पे यूनिलोकुलर कंडीशन दिख रही है, तो इस तरह से। और 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टेमन, जबकि एक गायब हो गया है, तो होते तो 6 हैं जिसमें से एक डिस्टिंक्ट नहीं हो पाता है, वो अलग हो जाता है, बिल्कुल कह सकते हैं कि गायब ही हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो 5 ही दिखते हैं और 2+2+1 के अरेंजमेंट में, यानी दो इधर और एक इधर। ये हो गया प्लूरल डायग्राम म्यूजेसी का। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो म्यूजा पैराडिसिका यानी बनाना, जिसे केला कहा जाता है, ये खाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन और स्टार्च बहुत ज़्यादा होते हैं। कच्चा जब रहता है तो इसकी वेजिटेबल भी बन सकती है, और पकने के बाद इसे एज इट इज़ खाया जाता है, और डाइजेशन में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, साथ ही साथ ह्यूमन को हेल्दी बना के रखता है। तो मेडिसिनल वैल्यू भी होती हैं इनके, स्टेम में स्पेशली मेडिसिनल वैल्यू होती हैं। और इंडिया में हिंदू फेस्टिवल्स में इनके पत्तों और डंठलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। ये इंडिया, मलाया और अपने भारत में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे इनका प्रयोग होता है। देन म्यूजा चाइनेंसिस, चाइना केला, ये खाने पीने के लिए प्रयोग में होता है, स्टार्च और विटामिन भरा होता है। देन म्यूजा टेक्सटाइलिस, मनीला हेम्प, इसको अबाका कहा जाता है। तो फाइबर्स इससे मिलते हैं और इनसे क्लोथ बनाए जाते हैं। फिलीपींस में उगाया जाता है, साउथ इंडिया में भी आजकल मिलने लगे हैं। तो इस तरह से ये था फैमिली म्यूजेसी। प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए।